जिला मंडी की देर रात पुलिस की एक टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में सिविल कपड़ों में शहर मंडी में गश्त पर थी। इस दौरान गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हर्ष पान भंडार में दुकानदार अवैध रूप से गोल्डन खैनी बेचने का धंधा कर रहा है, जिसे रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है, जिस पर थाना प्रभारी ने स्वयं ड्राइवर का भेष बनाकर गले में ड्राइवर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला परना बांधा और खुद खैनी खरीदने उस दुकानदार के पास पहुंचे और गोल्डन खैनी लेने की बात कही। दुकानदार को 200 रुपए देकर खैनी के पैकेट ले बात की और दुकानदार ने चुपके से खैनी के 13 पैकेट निकाले और गिनते हुए बताया कि इसके पास 13 पैकेट ही बचे हैं, बाकी पैकेट कल आएंगे। दुकानदार जैसे ही उत्तर खैनी के पैकेट देने लगा, उसी वक्त वर्दी में तैनात पुलिस कर्मचारियों ने दुकानदार को रंगे हाथों धर दबोचा। दुकानदार की तलाशी पर दुकान के अंदर कुल 150 पैकेट गोल्डन खैनी व पंछी छाप तंबाकू के बरामद हुए हैं, जिसे सेक्शन 13 कोटपा अधिनियम के तहत पुलिस ने कब्जे में ले लिया है तथा इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करके संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। अभी भी शहर मंडी में चोरी छिपे गोल्डन खैनी व पंछी छाप तंबाकू बेचने के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि उत्तक गोल्डन खैनी तंबाकू वर्ष 2003 से हिमाचल में बंद किया गया है, फिर भी उत्तक अवैध पदार्थ बाहरी राज्यों से हिमाचल में पहुंच रहा है और नशेड़ी युवक उत्तर खैनी तंबाकू को 10 से 15 प्रति पाउच के हिसाब से खरीद रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम दिन व रात के समय सिविल कपड़ों में मुख्य स्थानों पर तैनात की गई है तथा जहां भी कहीं अपराध नजर आएगा उस पर कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रंगे हाथों पकड़े गए दुकानदार का नाम हर्ष कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी समखेतर मंडी पाया गया है, जिसमें भविष्य में दोबारा इस तरह के अवैध रूप से नशीले पदार्थों को बेचने के बारे में चेतावनी दी गई है। मंडी शहर के अन्य व्यापारियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि कोई भी व्यापारी अपनी दुकान में अवैध रूप से तंबाकू या खैनी या प्लास्टिक का प्रयोग न करें। सरकार के आदेशों के मुताबिक तंबाकू खैनी तथा प्लास्टिक हिमाचल में पूरी तरह से बैन है। साथ ही उन्होंने बताया कि गत रात को एक युवक को शराब के नशे में मंडी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है, जो कि लुधियाना का रहने वाला है। पिछले कल रात 11 बजे के आसपास एक टीम सिविल कपड़ों में शहर की गश्त के लिए तैनात थी। इस दौरान एक सूचना मिली कि एक पान भंडार, हर्ष पान भंडार जो है, उसमें दुकानदार जो है वो खैनी बेचने का काम कर रहा है और ये खैनी और गुटखा वर्ष 2003 से बैंड है, जिनके संदर्भ में कोटपा अधिनियम भी बना है, जिसके पकड़ने के लिए एक योजना तैयार की गई और ड्राइवर के भेष में वहां पे 200 रुपए में उससे खैनी परचेज की गई। उसने 13 पैकेट बाहर निकाले। इस दौरान जो यूनिफॉर्म में पुलिस थी उसने रेड की और जब दुकान की सर्च ली गई तो 150 पैकेट गोल्डन खैनी के और तंबाकू के बरामद हुए हैं, जिन्हें कब्जा पुलिस में ले लिया गया है और संबंधित विभाग को आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। पिछले कल शाम 7 बजे के आसपास बस स्टैंड से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशे शराब में हुड़दंग कर रहा है, जिस पर हेड कांस्टेबल रोहित अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और मौके पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका मेडिकल अस्पताल मंडी में करवाकर उसको अरेस्ट किया गया है और आज अदालत में पेश किया जा रहा है। उक्त निवासी लुधियाना का रहने वाला है और इसका नाम सागर उर्फ सागर सन ऑफ भूपिंदर मालूम पड़ा है।